बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को इंडस्ट्री में काम करते हुए 16 साल बीत चुके हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इस फिल्मी सफर को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। कैटरीना का मानना है कि चकाचौंध से भरी इस दुनिया में टिकना है तो मजबूत नसों का होना ज़रूरी है। एक्ट्रेस ने हाल में इंटरव्यू के दौरान बताया, ये हमेशा आसान नहीं होता। इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए आपकी नसों का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। ये दुनिया उम्मीद से परे है, जहां आपको सक्सेस ही मिले ये ज़रूरी नहीं। मुझे लगता है कि आपको कभी भी सक्सेस को अपने दिमाग और असफलता को दिल पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कैटरीना ने अपने फिल्मी सफ़र पर बात करते हुए कहा, यह सफ़र मेरे लिए बहुत खास रहा। इस दौरान मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस सफ़र के दौरान दर्शकों का भरपूर प्यार भी नसीब हुआ। बता दें, इन दिनों कैटरीना कैफ मेक्सिको में हैं। वह अपना बर्थडे भी वहीं सेलिब्रेट करेंगी। आए दिन एक्ट्रेस वहां की खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। हाल में कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर समुद्र के किनारे अपनी एक फ़ोटो शेयर की थी। कैटरीना हमेशा एक लंबे काम के बाद ब्रेक लेती हैं, जैसे इस बार उन्होंने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जीरो, टाइगर जिंदा है, भारत के बाद अब जाकर काम में ब्रेक लिया है। जल्दी कैटरीना फिल्म सूर्यवंशी में नजर आने वाली है। फिल्म में वह एक्टर अक्षय कुमार के ऑपोजिट दिखेंगी। कई सालों बाद ये जोड़ी एक बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी। अपने आप को एक सफल अभिनेत्री देखने के सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा, अभी मुझे इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना है। बात यह है कि मुझे अपने आप को और सुधारना है, मुझे और अलग अलग किरदार में खुद को आजमाना है और अपनी हर फिल्म पर जमकर मेहनत करनी है। एक्ट्रेस ने अपनी अब तक की फिल्मों को लेकर कहा, मेरी ज़िंदगी का ये दौर बहुत खास है, जब उन्हें एक साथ भारत, जीरो जैसी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस काम के जरिए मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है, मुझे अपने अलग अलग किरदारों को निभाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आगे की फिल्मों में काम करने के सवाल पर कैटरीना ने कहा, मुझे ऐसी फिल्मों में काम करना है जिनकी कहानी बताना महत्वपूर्ण हो। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी एक दर्शक के तौर पर इस फिल्म को देखूँ। फिल्मी अड्डा से शिवानी शुक्ला की रिपोर्ट।